भारतीय जनता पार्टी की रोहतक इकाई की ओर से नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। ये कर्मचारी कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। नगर निगम रोहतक के कार्यालय में हुए समारोह के दौरान हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और मेयर मनमोहन गोयल प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। जी मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन पहला लॉकडाउन की अपील की थी, फिर देश के हर स्टेट के मुख्यमंत्री की राय पर और जनता की आवाज पर दोबारा 19 दिन का लॉकडाउन किया, टोटल 40 दिन, और आज उसमें भी दूसरा दिन है। तो मैं विशेष तौर से आपके माध्यम से रोहतक की जनता ने जिस तरह 21 दिन का सहयोग दिया, विशेष तौर से सफाई कर्मियों ने, नगर निगम के अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने, नर्सों ने, पुलिस कर्मियों ने और विशेष तौर मीडिया कर्मियों ने इस काम में पूरा सहयोग किया। उसी के बीच में ये आज नगर निगम के कर्मचारी सारे शहर का स्वच्छता पे और लोगों को कहीं भी गंदगी में दिक्कत नहीं आई, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अजय बंसल की अध्यक्षता में आज हम नगर निगम के कर्मचारियों को उनको मान सम्मान किया है। और पूरे, जैसा मेयर साहब ने बताया, पूरे नगर निगम के कर्मचारी जितनी भी संख्या हुई उन सबको, क्योंकि डिस्टेंस बनाते हुए, इसलिए पार्ट वाइज ये हमने किया और सबको करेंगे। और मैं आपके माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूं कि हमें लॉकडाउन के माध्यम से इस कोरोना जो वायरल बीमारी पूरे आर्थिक देशों में एक भयंकर रूप ले चुकी है, परंतु भारत के नेतृत्व श्री मोदी जी के हाथ में आज इस 130 करोड़ जनता के लॉकडाउन जो किया और सहयोग दिया है, और हम इस कोरोना बीमारी को भगाएंगे भगाएंगे भगाएंगे, ये पूरी आशा। ठीक, सुविधाओं का नगर निगम में आज हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष अजय बंसल जी, सतीश दांदल जी, धर्मवीर शर्मा जी, राज शर्मा जी, सतीश आहूजा जी, प्रेम हुड्डा जी, आदरणीय सभी साथियों और हमारे कमिश्नर साहब सब यहाँ पर एकत्रित हुए, और इस कंपाउंड में पूरे कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, दफ्तर के कर्मचारी हो, जिन्होंने पिछले 23 दिनों में शहर के लिए जो सेवा की है वो एक मिलिट्री के जवान से भी ज़्यादा सेवा की है। आपने देखा शहर में किस प्रकार सफाई कितनी उत्तम तरीके से हो रही है, ये सब कुछ आप इनके मेहनत की वजह से, इनकी लगन की वजह से हुआ है।